हेलो सत श्रीकाल जी, नमस्ते आदाब। दिस इज़ योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड दिस टाइम दिस इज़ फॉर कैनेडा। जी हाँ, आज जी वीडियो लेके आया दैट इज़ फॉर पीपल हु आर इन कैनेडा, जो कैनेडा में बैठे हैं और स्पेशली जिन लोगों ने असाइलम डाला हुआ है या यू नो इट इज़ दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग दोज पीपल। हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जी, जिन लोगों का असाइलम फेल हो चुका है एंड दे आर स्टिल देयर। सो आई हैव एन अपडेट फॉर देम, उन लोगों के लिए मेरे पास अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, विच विल शेयर दिस इन वीडियो। ठीक है जी, एंड बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ठीक है जी, वी नीड टू ग्रो अप, और हमें ग्रो करना है, और सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि वीडियो सब तक पहुँच सके। ठीक है जी, जितनी वास्ट हमारी ऑडियंस होगी उतना ही जो हमारी वीडियो बनाई है उसका फ़ायदा होगा। ठीक है ना, सो जिन्होंने सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस। एंड आफ्टर दैट अगेन आई विल से, जिसको कोई भी इमिग्रेशन टास्क में कोई हेल्प चाहिए, यूएस के, कनाडा के, यूके के, यू कैन ऑलवेज रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाँ जी, तो बात करते हैं जी कनाडा के बारे में, कनाडा असाइलम सीकर्स के बारे में। आपको पता है कि यू नो यूएस है चाहे कनाडा है, ये कंट्रियाँ अलाउ करती हैं कि फॉरनर्स वहाँ जाके असाइलम ले सकते हैं। सी यू नो दे कैन अप्लाई फॉर असाइलम कैटेगरी, कोई उनका रीज़न चाहिए कि उन्हें खतरा है, कुछ भी है, एवरीबडी नोज, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको कोई ना कोई रीज़न चाहिए, दे कैन स्टे देयर एंड दे कैन अप्लाई फॉर असाइलम। और ये कंट्रियाँ भी उनको अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाने देती, जस्ट टू सेफ गार्ड देम, वो वहाँ रह सकते हैं असाइलम डालने के बाद। ठीक है जी, बट होता क्या है, असाइलम डालने के बाद जब आपका केस कोर्ट में जाता है समटाइम्स और मैनी टाइम्स आई वुड से वो रिजेक्ट भी होता है, और रिजेक्ट होने के बाद यू गाइज आर गिवन अल्टीमेटम टू लीव कैनेडा इन और अमेरिका इन सम टाइम। ठीक है जी, लेकिन अब क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों की रिजेक्शन हो चुकी है असाइलम की, वो अपील करते हैं तब भी नहीं होता, उनके जो क्लेम्स हैं वो झूठे हैं, बट आफ्टर मैंशनिंग देम टू लीव कैनेडा दे आर स्टिल इन कैनेडा। और ऐसे बहुत हैं, मोर देन 100,000 यू नो पीपल आर देयर इन कैनेडा एज ऑफ नाउ, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है, दे आर वर्किंग, क्योंकि कैनेडा उनको भी निकाल नहीं रहा। बट नाउ कनेडियन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन द फास्टर डिपोर्टेशन। जी हाँ, अब ये गवर्नमेंट जो है ऐसे जो लोग वहाँ पे हैं उनकी डिपोर्टेशन को फास्टर करेगी। ठीक है, मतलब जो भी असाइलम सीकर्स हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ जितने भी बंदे हैं रिफ्यूज़ हो गए, अपील भी कर देते हैं, ठीक है, उनको बोला भी जाता है कि केस ख़त्म हो चुका है, बट नोबडी लीव्स। नाउ दे आर मेकिंग न्यू रूल्स विच विल बी यू नो गेटिंग देम आउट ऑफ द कंट्री फास्ट, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट अभी जो रूल बना रही है काफ़ी परेशान है, इवन दे आर चेंजिंग डे बाय डे, स्टूडेंट्स वीज़ा में भी काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दे आर यू नो फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज यू नो हैंडलिंग पीपल हु आर इन कैनेडा, जो कि फॉरनर्स आ रखे हैं, चाहे वो नहीं जो पक्के होके आए हैं, जो इलीगल बैठे हैं, या स्टूडेंट्स जो यू नो काम करते नहीं करते हैं, हुडलबाजी ये वो, इन सब से काफ़ी परेशान हो चुके हैं कैनेडा, तो नए नए मेजर्स ला रहे हैं। सो अभी क्या होगा, नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट दे विल से दैट जो भी डिपार्टमेंट है, जितने जैसे CBSA है या RCMP है और जो भी अदर डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, दे आर वर्किंग ऑन फास्टर डिपोर्टेशन। अभी किसी का भी रिजेक्शन हो गई उनको टाइम देते थोड़ा सा, लेकिन अब क्या होगा, गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी, एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बट दे विल इम्प्लीमेंट सून, दे आर वर्किंग ऑन इट, डिपार्टमेंट सारे काम कर रहे हैं। वंस योर असाइलम इज़ रिजेक्टेड यू हैव टू लीव द कंट्री एंड ASAP, ठीक है, नहीं तो फिर दे विल यू नो टेक अदर एक्शंस। ठीक है, तो अभी होता है उनके क्या ना, गवर्नमेंट को तो ये लग रहा है कि अभी ये सब बोझ बन चुके हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू द कंट्री, और इनके जाने से जो है जो क्राइसिस सिचुएशन है कनाडा में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की है, चाहे वो हाउसिंग की है, दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव। सो नाउ ऑन दैट बेसिस दे आर वर्किंग ऑन न्यू रूल्स विच विल बी इम्प्लीमेंटेड सून, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं सो वी कैनॉट से कब होंगे, बट दे आर वर्किंग ऑन इट्स। ठीक है, सो दिस वॉज द वीडियो जस्ट टू गिव यू हेड्स अप,
कि भैया जो ऐसे बंदे हैं या तो कोई तरीका करके किसी तरीके से आप पक्के होइए, नहीं हो सकते देन यू हैव टू फेस द हीट। ठीक है, चलो आई होप दिस विल बी अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक स्टेप्स। टिल माई नेक्स्ट वीडियो यू गैस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।